हमरा के सुन रहा बाह बारह बज गई नमस्कार अब तो इे प्रथा इे चलन पूरा विश्व में धारण करता लोग प्रणाम करे के नमस्कार करे के रवा बाह के प्रणाम आज के विषय हमरा के दिल गई के भोजपुरिया के पलायन कितना दर्द और कितना अवसर का मिलल ओकरा पर के बातचीत करे के बाद आज के बद कही ओकरे पर बा यदि सुने में कोई दिक्कत हमरा के तहू बता दे हब हमरा ख्याल से ठीक चल रहल बा अभिषेक जी देवेंद्र देवेंद्र प्रणाम विजय जी सरिता ठाकुर जी सब लोग आगे बारे धन्यवाद तो हम शुरू कर रहा बानी अपने विषय सबसे पहले तो पलायन सुन के तनि सा हमार कैसन त लागल कि पलायन जब हमने के बोली ला जा तब पलायन का मतलब होला कहीं से छोड़ के भाग गई तो एकरा में को मत नहीं है कि बहुत लोग भगलो बारे लेकिन अभी पलायन के हमने के का कहीं जा विस्थापनों कह सकिला जा स्थानांतरो कह सकिला जा निष्क्रमणो कहल जा सकेला, बहिर्गमनों कहल जा सकेला और आज के जे विषय बा और जे इश्यू बा एकरा पे अगर सोचल जाओ तो सब अभिव्यक्ति अपना आप में सटीक बैठी क्योंकि अभी जे हो रहा बा और हम अपना देश के बात कर रहा बानी गांव से गांव में बड़ गांव में गांव से नगर में नगर से महानगर में महानगर से और जरा आजकल आज कहा जाता विराट नगर सब जब तैयार वही जा ये सब जाए के एक पलायन तो हम का कही आप समझी कि एक के विस्थापनों कहल जा सकेला और कोना ना कोनो व्यवस्था से कोना ना कोनो कारण से आर्थिक होके सामाजिको होला बहुत सारा कारण क्या कि अभी एगो शोधार्थी छात्रा से हमरा पता चलल कि नॉर्थ ईस्ट में काम कर रहा बड़ी कि अरुणाचल प्रदेश में ऐसा एगो परिवार से मुलाकात उन जे मैथिली इलाका से शायद उ लोग रहे कि भोजपुरिया इलाका से रहे कि अगर पति पत्नी पूरा परिवार छोट जात के लोग रहे अपना यहाँ के अत्याचार में पिसा के और अपना यहाँ जो भेदभाव के अत्याचार चल रहा बा जो उत्पीड़न चल रहे से तंग आके लोग भाग गई ओजा से कहला कहलापर और जाके जा देखल गई कि के सब तरह के शोषण के साथ समझौतों तो ले लाइव के सुन के बड़ा आश्चर्य हो कि एगो जनजाति के घर घर खेत बधार वो लो लोग संभाले संभारेला और इतने ना घर के मेहरारू द्वारा पुरुष के यौन शोषण और पुरुष द्वारा महिला के यौन शोषण सब कुल के कुल के आ, समस्या के वो लोग मान ले ले अब मान के समझौता के रहता का काहे कहे कि समझौता और इस जीवन इस त्रास जे त्रास होखे एक जितना पीड़ा कहीं जे कहीं के अपना देश में अपना गांव में जे अत्याचार सहे के पड़त रहे पीड़ा और वेदना से कम बुझाता लगता कि ठीक एक में सब काम चल जाए काम ना चलत रहे। तो हम बोलत रहे कि कारण हमनी के बहुत तरह के हो सकेला सक पलायन भरा हम पलायन कहब लेकिन कई लोग अब जैसे देखब कि हमारे परिवार में एक उदाहरण देता नहीं बिल्कुल अपना निजी परिवार के अपना पारिवारिक जीवन के कि हमार पिताजी स्वयं अपने गांव से क्या बोल जाओ लिटरली भाग के निकल रहन कि हमरा किरानी उरानी रेस्टेरों के नौकरी नहीं करे के हम जाके पढ़ के कुछ बड़ नौकरी करब त तो, उ अलै और उनका अल के वजह से हमनी के जितना अपन चचेरा मौसेरा भाई बहन भाई, सब मिला के कम से कम दस बारह लोग के पढ़ा लिखा के खाड़ ले और तो इस तो तरह से आर्थिक विकास तो लेकिन साथ साथ जगह और फ्लिपसाइड कहाला हमिके कहला जा, हमनी जा। फ्लिप कि हमनी के ज्यादातर वो भाई बहन सब अपने अलग अलग हो गई अब केकरो से केकरो से 20 बरस बीस वर्ष भेंट भैया तो भ वर्ष भेंट भैया अब एगो डिजिटल टेक्नोलॉजी जैसे अरुआ सब से हम अभी जुड़ल बानी यही तरह ओ लोग से भी जुड़ी ला फ़ोन से बात हो जाला कबो कबो वीडियो चैट हनिक जा की ही ले जा लेकिन गाँव के जे सभ्यता रहे गाँव के जे रहन सहन रहे से लोग कट गैल और उगो पीड़ा ह दुख ह जे जब आदमी अपना आर्थिक उन्नति खाती, अपना दिन रात परिश्रम करता, दिन रात लागल बा कहीं खटे में कोई मजदूरी कर रहा बा तो सुपरवाइजरी कर रहा के दरबानी कर रहा क्यों हमनी के तरह बड़ अफसरों बन गई बा लेकिन साँच बात तो ये कि जब आदमी अपना उम्र के पड़ाव पावेला जब आदमी अपना अंतर के जरा जाला कि अंतर में जे देखे लगे ला, तब वा बुझा कि बहुत कुछ बा बानिके छूट गई अब हमनी के जे बाल बच्चा बाड़े बारे सा, के शहरी बाल बच्चा हो गए सहनिके गाँव के गांव के ए, आ, हमनी के भोजपुरी तीन मन बोली ला जा तो हो सकता कि तोजपुरी के समझ बूझ लेवल ले ले से और आपस में थोड़े बहुत बतियाइयों स लेकिन वाला बात के बाल बच्चा तो भोजपुरी के भाव ना बुझाई के तो एगो हनिके हानि भई एगो बहुत बड़ा लॉस भ लॉस तो एगो का कहल जाए एक अस्तित्व जनित एगो पीड़ा कह सकिला लेकिन अस्तित्व जनित पीड़ा से और भी पीड़ा बहुत कुछ जुड़ल बा। तो हम कहत रही कि अभी स्थिति बा आज़ादी के बाद जब उन्नीस सौ इक्यावन में पहला जनसंख्या जनगणना रहे, तब हमनी के बचपन में वह सभी के याद हुई बहुत लोग हमारा उम्र के बढ़ जब लैका फैका अभी बच्चा बढ़ल बहुत लोग बा हमरा बहुत कम उम्र के लोग लैका बढ़ल ओ लोग बता रहा बानी कि उन्नीस सौ इक्यावन में जब पहला जनगणना रहे तब हमनी के हमेशा कहल जात रहे कि भारत एगो कृषि प्रधान देश है भारत के आत्मा गांव में बसेला काहे कि तब पचासी प्रतिशत लगभग उन्नीस सौ इक्यावन के जनगणना में तिरासी प्रतिशत लोग गांव में रहत रहन अब मात्र सत्रह प्रतिशत लोग शहर में अथवा अर्बन सेंटर में रहन ठीक पचास साल बाद दू हजार एक में उड़ के समझी कि चौहत्तर छब्बीस हो गई चौहत्तर प्रतिशत गाँव में छब्बीस प्रतिशत शहर में बाद। और ठीक वाद अपनी देखी तो अभी अभी 2020 में जब हमनी के बात कर रहा बी तब ओकर वुपात बा के हो गए बा पैंसठ पैंतीस पैंतीस के मतलब कि अब गांव में मात्र पैंसठ प्रतिशत लोग रह गए ले, अब पैंतीस प्रतिशत से ज्यादा लोग चल बे शहर में इकााहे भ कारण बा एक एगो तो सबसे बड़ कारण जो हम मानी ला कि पलायन के अथवा स्थानांतरण के अथवा बहिर्गमन के कि हमनी के गांव घर में जब से वर्ण व्यवस्था टूटल और वर्ण व्यवस्था जाति व्यवस्था में बदल गई और जाति व्यवस्था जैरा कहल जाला उपजाति व्यवस्था में बदल गई तो ऐसा ऐसा जात निकल के आ स जक पर पर कि बहुत शोषण होखल आरंभ हो गई खेत बधार तो नहीं है जहाँ तहाँ बनिहारी क लोग जियता जहाँ तहाँ से खाद खाद पिये छुआ छूत बा पानी नहीं खेल इनार से पानी नहीं खेल दे, दे, देते नलकूप से पानी नहीं खिलेबे दे ये पोखर पर जा न सके तो पोखर पर ना जा सके मंदिर में पूजा ना हो तो वह मंदिर में पूजा न हो तो ना कर सके सोहनिक ना कर सके सबसे मतलब तंग आके जब जैसे लोग केकरो हमरे अगर ऐसा स्थिति के जी सबके ऐसा स्थिति हो तो पहला चीज़ मन में खाए ये नू कि जाए यहाँ से निकली कहीं चल जाँ सब सबसे मुक्ति मिले मुक्ति के रास्ता रहे के पहले सबसे पहले दिमाग में ये आए कि यहाँ से निकल जा तो अर्बन सेंटर सेन्टर जैरा के यहाँ सड़क के संडक कहलन लोग तो संडक के किनारे के बड़ कुछ गांव भ कस्बा गाँव के हनिक जा तो कोई केहू कस्बा के किनारे जा के बस गई जा दुकान पाट करे लागल लाइल मजू मेहनत मजूरी करे लागल दुकान वकान में और से कमाई खाए लगल वैजा केहू के, के चूंकि काम जब जैरा डिग्निटी ऑफ लेबर शहर में तनी मनी डिग्निटी ऑफ लेबर चला वा कि, कि सब लोग के काम से मतलब अब हन के देखी अपनी, अपनी के घर में अब कई तरह के लोग सब हमने के संगे काम करे अब वो में केकाना के पूछेला के तू दुसाध हव कि चमार हव कि कौन जात हव हो कि तू मुसलमान हव कि जोलहा हव कि भंगी हव के कौन जात हव कोई ना पूछे काहे हमने के मूल उद्देश्य बा कि काम चल रहा बा सरिता ठाकुर कह कहल सर अफसर कम पलायन से मजदूर लोग ढेर भैया बानी हाँ ठीक कह ती मजदूर लोग ठीक ढेर भाओ बात हम कर रहा बानी काहे भनन तो अब ये श्रम संबंधी जे एगो डिग्निटी आके सम्मान जाके जुड़ल कि अब हेजा कोई ये ये सब ना पूछी तो चल अजा कम से कम पैसा कमाए के एगो साधनों हो गई अपने घर दुआर चलावे के साधनों हो गई आईजे से कुछ मिल गई तो बांट बटा के एकर ओकर आपस में लोग मददों कर सक तो एगो बड़ कारण लेकिन जब नगर में जब लोग गइल तो से अपना हित नाता अपना गोतिया पटीदार में खबर आवे लागल क्या बड़े से बहुत निमन कमाई होता और जब से एक रा साथ एगो जुड़ल विषय विषय बा जब रुपया पैसा के प्रचलन शुरू भाई हमरा याद शायद पूरा सत्तर के दशक तक गांव में हमने के गांव में हमने देखले बनी कि ज़्यादातर काम काज कहा जाता है सेल्फ सफिशिएंट विलेज इकोनॉमी ओकरे से चल है कि अब कुंजड़ा आके तरकारी दे देखा एवज में के पसेरी एक पसेरी धान कि दू पसेरी कुछ गेहूँ दिया गई ओकरे से काम चल गई मतलब रेट माल गुजारी और कुछ शादी ब्याह खाती जेवर जेवरात खरीदे खाती कुछ पैसा कौड़ी के यदि जोगान होके तो होके ना तो पैसा कौड़ी करो चेट में ना देखल जात रहे ज्यादा पैसा रुपया पैसा जरा जा सकेला करेंसी नोट वो करेंसी नोट जब 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 से प्रचलन में आई जब करेंसी हो गई हमनी के जीए के मेन जरा मूल साधन जब बनल जब मूल साधन के हिसाब से हमने के हर चीज़ खरीदे के मतलब बाज़ार बन गई जैरा कहाल जा सकल बाजार में जब कुछ खरीदे के बाद पैसा देवे के पड़ी अब वो एक पसेरी दू पसेरी धान गेहूँ अच्छा, दाल दिला से काम ना चली तो एकर एगो प्रभाव इो भ पैसा के महत्व तो बढ़ गई जब पैसा के महत्व तो बढ़ गई हार्ड कैश जैरा जाला जब पैसा के महत्व तो बढ़ गई तो लोग एने ओने जाके काम का कुछ कुछ पैसा कमाए लगलन अब चाहे बंगाल में जानी ला पहला तो हमनी के हिंदुस्तानी कहल जाला अब कंट्री जितना बड़न कहल जाला हिंदुस्तानी और दोसर एगो बड़ा खराब लागे वाला शब्द इस्तेमाल करेलन हजा के बंगाली लोग पुरान वो कहलन छातुखोर या सत्तू के छह बोलेला लोग सत्ुखोर कहल जा सकला तो छुखोर बोहलन छातुखोर के आ, इमेज जाला जला बिंब कहाँ से आई इध बिंब ऐसे आयिल कि जब लोग से मजदूरी करे खाती बाहर आवस और काम धाम करस, तो चेष्टा करस कि जितना परिवार तो गांव में बा त आ गई काम करे खाती तब तो पैसा कौड़ी तो घर पे घर चलावे खाती को तो भेजे के पड़ी न तो लोग का कि जितना कोशिश करस कि जितना कम में अपन पेट काट के काम चल जाओ जितना कम खर्चा में काम चल जाओ और पैसा बाँचो वो पैसा गाँव में हमारा परिवार के बाल बच्चा के पढ़ाई लिखाई कपड़ा लत्ता खाना पीना सब का लगी यह वजह से लोग लेकिन ऐसा के भी ऐसा खाना होके चाहिए जगह से कि प्रोटीन मिले तनी तो पोषणों ठीक ठाक होके वह सब सब जानी ला कि आजकल के बड़ बड़ लोग सातु वत्ू खालन के बड़ा प्रोटीनस डाइट है एक बड़ा प्रोटीन मिलेला और कुछ लोग कहलन कि बड़ा शक्ति आवेला पोषण बढ़िया आवे, पोषक आहार है तो पोषक आहार के रूप में लोग काम चलावे खातिर सब कुल करे लगलन कि सातु खातर और यही से सातु खोर के नाम से बंगाली लोग में ही प्रचलित हो गई हमिके हिंदुस्तानी लोग के नाम से यूपी बिहार से लोग हजा के काम ये गो उदाहरण हम देली हाँ समझावे खाती कि कैसे एक एक गो सांस्कृतिक अभिव्यक्ति के रूप में एक सांस्कृतिक रूपक बन जाला एक एक गो जगह से आए लोग के बारे में लेकिन वह लोग लोक के नहीं बुझात लोग के लोग का सोच कि भाई जे बामु अमुक जा कलकत्ता में कलकत्ता में निमने पैसा कमाता कराने कलकत्ता मेन एगो जगह रहे हमनी के तरफ के लोग के अजा आबे के स्थानांतरण के कहे कि एक तो नज़दीक पड़त रहे आ, संचार के माध्यम ठीक रहे मतलब आवागमन के बहुत पुरान समय से अंग्रेज के समय से रेलगाड़ी वाड़ी के व्यवस्था ठीक हो गई रहे तो लोग रेलगाड़ी धरस चलाव सेने पहले स्टीमर स्टीमर से भी लोग चलावत रहन पहले अजा जूटा औद्योगिकरण उद्द, खूब यहाँ लोहा के फाउंड्री खुलल अंग्रेज कोईलन जा जूट के मिल खुलल तो तरह तरह के जब बाज़ार खुले लागल हिजा तो हिजा आके लोग काम करे लगल हमनी के तरफ से खाली मरदे न केतनो कितना कितना घर के आ, का जाओ जा छोड़ल ब्याहल किंतु छोड़ल कोनो औरत सब के जब देखल कि बुझा बहुत दुख सह के पड़ा था तो वो लोग चुपचाप केकरो हाथ धो के धने निकल आई और बरुआ के आश्चर्य हो गई इतिहास तो देख तो पता चली कि यह कुल महिला लोग के जूट मिल में आके खूब कम पैसा पर पुरुष के तुलना में पैसा कम बड़ा कम दे दिया जा मजदूरी बहुत कम दिया दल जा रहे तो अपना पेट चलावे खाती और पैसा और ज्यादा कमाए खाती वह लोग अपना शरीर के भी व्यापार कर शुरू कर कहजा और ओकरे से शुरुआत हजा के फेमस का बोल जला सोनागाछी बाज़ार ओकर कर पूरा एक बंग, बंग बंगाली लोग बंगला बंगला में पतितापल्ली कहलन तो इस सब के शुरुआत हम अपना विषय पर तो फिर वापस आव चाहते तीन तरी, -तरी डाइग्रेशन होत रही बहुत चीज़ बा बोले के तो माफ करब हमरा के यदि थोड़ा तो डाइग्रेशन हो जाए अब शाही जी कहतन छत्ूखोर शब्द पहले बेर सुनली हं ऐा बड़ा प्रचलित बाही जी छुखोर बाजा बंगाल में जो कामधाम करेलन बिहार यूपी के उनका से बतियाई तो लोग हैं कि छातुखोर खोर काहे, काहे, काहे जाला जला तो, तब जब ऐजा लोग आएल तो एगो नगरी नगरीय चखा चौंद बा जब आके बड़ बड़ घर बड़ बड़ रास्ता सुख सुविधा बिजली लिखे जात बिजली सब समय रहता तो लोग के बुझा लागल कि अब हेजा स्कूल पढ़े लिखे के सरकारी छोट छोट स्कूल लेकिन गांव के तुलना में बहुत अच्छा स्कूल और वह सब आज तारीख में बोलब हम कि हमनी के समय तबो गांव के स्कूल स्कूल से हमनी के पढ़ के निकल रही और तबो हमनी के शिक्षक उच्छक बड़ा बढ़िया लोग रहन और बहुत बढ़िया होत रहे लेकिन जैसे जैसे हमनी के अपना गांव घर के शिक्षा के स्तर खराब होखे लागल नीचे जाए लागल तब तो लोग सोचे लगल कि अगर लैक फैका पढ़िए स ना तो के का काम करी स फिर वह खेत इने एने बेरोजगार होकर हमनी के एगो सोशियोलॉजिस्ट रहन बिहार के अरविंद एन दास एगो बहुत बढ़िया किताब पात्र एगो किताब लिख ले रहन द रिपब्लिक ऑफ बिहार ओकरा में बड़ा अच्छा मेंशन कैले बड़े कि अब लैका फैका इंजीनियर होके बेरोजगार होके घूम तलन स डिप्लोमा का लेताल स आई टी आई से पढ़ लेता स आई आई टी न आई टी आई से पढ़ लेताे तो उ इंजीनियरिंग के कला तो आइए गई बेरोजगार आदमी का करी जवान लैका बड़न स आत्मसम्मान के बोध बहुत रहला तो का कर लगल सब देखलन से इलेक्शन में खूब कट्टा बिका बिकाता ते लेथ मशीन लगा के कट्टा लगलन स बनाबे बेचे बम लगल सब बेचे बेच तो त एक जितना हमिक जाए ना क्रिमिनलाइजेशन भल जाता समाज के क्रिमिनलाइजेशन में भी एगो शहर के और शहरीकरण के और पलायन के जे एक कनेक्शन बा एक संबंध बा कि कैसे आदमी के खुद के महत्वाकांक्षा और आत्मसम्मान के उ ईंधन देते और ईंधन के तहत और में पढ़ के बहुत लोग बहुत तरह के रास्ता चुने लागल अपना गांव गांव घर के, के लगे जब ना निकल पाए तो ना तो निकल आई जो आ निकल आके कुछ ना कुछ कैलक तीसर एगो जो कारण बुझाला पलायन के शिक्षा और साक्षरता के अभाव अब रुआ सब देखी कि आजों समस्या वैसे ही मुँह बौल खाड़बा स्कूल के अवस्था देखी वही जा मास्टर लोग के अवस्था देखी वही जा ऐसा नहीं है कि सरकार निजी तौर पर कुछ करत नहीं है कि नहीं लिखे चाहत सरकार कोई चाहत लेकिन सरकार के जे पूरा का पूरा संरचना होला इतना जटिल और संश्लिष्ट एगो संरचना है पूरा सिस्टम के कि उस सिस्टम में हो तो बहुत बहुत सारा गांव के के जरूरत और हमनी के सहता नहीं सा और का सहतानी से का के भोगतानी आनी ओकर पतो ना चले के करो वोजा चार गो जगह के जे प्रतिनिधि लोग बोल दलक प्रतिनिधि के लोग के हिसाब से मान लगे कि हे लोग सांच बोलत तालन त एकर कनेक्शन दिन पर दिन बिगड़त राजनीति से भी भल जाता क्योंकि अब राजनीति में कोनो हमेशा स्वार्थपरता के ही वजह से और अपना स्वार्थ आपन आपन भला अपन हित देख, देखे के चक्कर में ही लोग समझी कि एगो यही से कहा जला कि राजनीति अब एगो समाज के सेवा करे के साधन ना रहल अब एगो उद्योग हो गई बा तो जब राजनीति उद्योग हो जाई शिक्षा उद्योग हो जाई शिक्षक उद्योग उद्योगपति होखे लगी हैं तहाँ रहें शिक्षा और साक्षरता तब एक मतलब का है जब स्कूल स्कूल में पढ़ के जब लैका फैका के जब बाहर जा के तीन बड़ क्लास कक्षा में पढ़े के समय आवता त तो ढंग के कॉलेज स्कूल लिखे मिलत ता करिए तो, तो वह बाप जे कुछ बा, बाप, बाप बाप दादा के जे कुछ बा बाे में हाथ बटाबे के पड़ी आने जैसन बा वही में रहे के पड़ी आना तो जैसे निकले के पड़ी तो, और ऊपर से अब ये डिजिटल टेक्नोलॉजी आ गया बा अब के चक्कर में तो सबके हाथ में देखबी खिलौना बा ये और बात बा कि दोष के भोग रहल बानी और लैका फैका में लेकिन ओकर खराब जबून जे साइड बा हमनी के देखा था नहीं लेकिन एक बढ़िया साइड हो बा अब एक से लोग के साक्षरता बढ़ो चाहे मत बढ़ो लेकिन सचेतनता तो बढ़िए बा महत्वाकांक्षा तो बढ़िए बा तो महत्वाकांक्षा के पूरा करे खातिर उजे भाई जे नया नया चीज़ लोग जानत आकरा के पूरा करे खाती तरह तरह के कपड़ा लत्ता पहने खाती हाथ में मोबाइल ठीक ठाक रहे खाती बढ़िया गाना सुने खाती लोग गांव से कटे लगल और शहर की तरफ आवे लगला रवा देख कि जरूरत अगर लगातार जनगणना के बढ़िया से विश्लेषण करके देखी पहला जनगणना इक्यावन से है अभी तक दू हज़ार ग्यारह और अभी तक ले तो अब तो डिजिटल टेक्नोलॉजी आ गई बात तक पर अपडेट होते रहे रोज तक तो देख कि दू गो ऐसा समय रहे जहाँ बहुत बड़ जरा जा सकेला कि एगो बढ़हन स्तर पर पलायन रहे एगो तो भाई रहे कहीं सत्तर अस्सी के दशक में और एगो एन ए हज़ार पाँच एकरा हम दो हजार दो हज़ार पाँच के आसपास के हम मानी ला कि जब आ, हमनी के आर्थिक व्यवस्था के जब उदारीकरण ओकर तो फल हो सकेला और सत्तर अस्सी के हमरा ठीक हम से हम हि सोच सकत कि सत्तर अस्सी में का असन हो कि हो सकता है इमरजेंसी तरह तरह के विप्लव तरह तरह के आंदोलन तरह तरह के चीज सब भयल रहे सत्तर अस्सी के दशक में तो कारण हो सकेला बंगला से युद्ध के कारण हो सकेला बहुत सब कारण हो सकेला लेकिन लगातार ही, लेकिन बढ़त गई बा दशक में त्यादा भ कम कबो नहीं खेबा बढ़त 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 बढ़ आख पैंतीस परसेंट पर आके रुकल बा कहीं, कहीं, सत्रह सोलह परसेंट रहे आखिर पैंतीस पर तो समझी कि उन्नीस सौ इक्यावन से दू सौ सत्तर साल के अवधि में हमनी के मोटा मोटी बीस प्रतिशत लोग गाँव छोड़ के कहीं ना कहीं शहर में जाके बस गई अभी एगो इ बारे आई आई एम अहमदाबाद के अर्थ आर, इकोनॉमिक्स इकौनिक, के एगो प्रोफेसर हमे तुम्बे साहेब उगो किताब पढ़त रही। वो किताब के नाम है इंडिया मूविंग अ हिस्ट्री ऑफ माइग्रेशन ओकरा हिसाब से उ दिले कि भारत के खाली हमनी के पूर्वांचल आ बिहार के पूरा भारत के कल कि एक करोड़ लोग और में तुलना कम से कम 25 से तीस लाख लोग होली पूर्वांचल गढ़ है हमनिक सबसे ज्यादा लेबर सबसे ज्यादा मजदूर पूरा देश भर में जालन खास करके पंजाब गुजरात सूरत गुजरात में विशेष करके मुंबई कलकत्ता ये सब, तो, ब, सब पूर्वांचल के हमनी के प्रदेश पा उत्तर प्रदेश के जैसे कहल जाला अभी आगे के यूनाइटेड प्रोविंस और हमनी के बिहार और वह बिहार के जितना भोजपुरिया जाके लोग आवत रहन अब एगो और कारण जरा हम कहल जाए कि रोजगार रोजगार और बहुत कुछ मौलिक सुविधा कहल जा सकेला कि खाए पिए के आराम बिजली पानी के आराम स्वास्थ्य चिकित्सा इस सब, इस सब के आराम धीरे धीरे लोग के मिले लागल तो लोग से निकले लगल अब कारण हम बोल कि हाँ सा जी ठीक कह ती रुआ चिकित्सा शिक्षा के गांव में सुलभ करावे के पड़ी का, तमाम कारण खाली बेसिक जित हम जो सोची ला हमारा तरफ के हमारा अपन व्यक्तिगत सोच हो सकल व्यक्तिगत सोच हाँ जब शुरू से ही सोच रहा कि आज ले भय ना सरकार में को जानी ना नीति में कहाँ दोष हो जाला कि कृषि प्रधान देश में कृषि या किसान असन अवस्था काहे रही हम के हमेशा बोले जला कृषि प्रधान देश आ कृषि प्रधान देश में कृषि के अवस्था किसान के अवस्था शिक्षा और स्वास्थ्य ये यह तीनगो तो मेन सेक्टर बा ये तीनगो के बढ़िया से हमने के देखी तो हमारे औद्योगिकरणों बढ़िया से हो जाए वो असुविधा नहीं है कहीं कोई असुविधा ना हुई लेकिन अभी देखी कोरोना हम के हमनिकेलता नहीं जाए बड़का क्राइसिस बागो वैश्विक महामारी के समस्या अब देखी कि लोग दूसरा देश से तुलना करता छोड़ी दूसरा देश के बड़ बड़ देश के घुटना पर आ आगे बा सब लोग तो बात अलग बा लेकिन अपने देखी झूठ झाट बोल के हम नहीं के कसह झाँपे तोपे के चक्कर में पड़ल बानी एने ओने क के लोग मर रहल बाड़न लोग के समस्या के लोग के बुझाते नहीं खे कहाँ करी हमने के स्वास्थ्य के जे पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर ढहल बा, बा एकदम से अभी जब महामारी के समस्या जब माथा पर आई तो के बुझाते नहीं खे कि लोग, लोग जब सब जब बाढ़ एहनिक बीमारिया लोग होके राखब कहाँ इलाज तब बाद में भी, भी सोचब राखे के तो जगह रोके के चाहिए एगो एगो बेड तक मिले के चाहिए कहाँ से लाई लोग इतना बेड भैल नहीं खे हमनिक बंदूक कमान आ तोपर हवाई जहाज़ और एने ओने में लागल रही हमेशा किने की के किने के बाव, बहुत जरूरी बाव, बहुत जरूरी बाक्तिमान देखा के शक्तिमान देखा के चक्कर में देखल गई कि अपने अतरी आर अपन लीवर खराब जाता यो उहे बात कि जाके जैसे हाथ चेट में रोपा तो त एक बोतल दारू लेके पी और ले मस्त हो गई नहीं कि हम तो अब दारू के नशा में बुरी दुनिया के दुनिया के जीत ले हम। लेकिन ओकरा से खाना के पोषण तो ना न मिली स्वास्थ्य शिक्षा हमरा बुझाला कि अपना चाऊर दाल के जैसे रह चाउर दाल भात दाल तरकारी के पोषण तो कम से कम सबके मिले के चाहिए चलिए दूध कम मिल जाए चलिए और जे बोल जला कि अखरोट मुनक्का और ये सब ना मिली फल कम मिल जाए लेकिन भात दाल तरकारी के तो पोषण मिले के चाहिए जब उहे पोषण ना मिली तो आदमी तो बाध्य हो खता कि कहीं ना कहीं वो रास्ता खोज के कहीं ना कहीं निकल जाओ हम अपना उपन्यास में गंगा रतन विदेशी में एक जगह लिखलू बानी जाके लोहा फाउंड्री के जब पूरा पोस्ता लोहा फाउंड्री के लिलुआ के जब हम वर्णन कैले बानी कि कैसे उ आज रहा रिशरा के छाई रोड में लीलुआ के घुसरी लुलुआ के इलाका में तब तो सड़क के किनारे बड़ बड़ नाला बा जरा निचे मान जरा बैठल ना जा सके सकना वो से बदबू आवेला दुर्गंध है मन महकेला ओकरा ऊपर खटिया बिछा के डबल डबल टियर बना के जैसे जब रेल में जैसे द, थ्री टियर सीट होला द, टू टियर सीट होला वैसे बिस्तर पतला पतला बना के और पर भाड़ा पर समय के हिसाब से चार घंटा दू घंटा के रेट पूरा रात के छः घंटा के रेट ऐसे ऐसे कह के लोग सूत के पैसा दे के भाड़ा दे के अपन काम चला वो के शरीर के का होखी वह लोग के जीवन के का होखी जब ले बाड़न ले कमा धमा के कसऊँ अपना उ का लागल बन सोचत नहीं खन अपना जीवन के बारे में अपना शरीर के बारे में वो खाली यही में लागल बन कि जैसे होखे अपना बाल बच्चा के अपना परिवार के खाड़ क दी अब जे कुछ बोली अंत में तो सबसे अंत में तो अपने यदि आदमी कमजोर और दुर्बल और रोगी होके तो दूसरा के का दी और का करी तो सबके दुख ये बाकी जैसे होके आपन परिवार के हम खाड़ दी। ये आपन परिवार के खाड़ करे खातिर वो लोग सब कष्ट सब दुख और सब पीड़ा सह के वो लोग उच्चा गईल बा और वो अवसर जो मिलल बा एगो कुछ पैसा कमाए के और कुछ अपना परिवार के देवे के और अपना परिवार के सहयोग करे के उ कोनो तरीके से तुल तो कारण हमारा दिमाग में आवे ला ओक हम कह कि हमने के दर्द के बात बताइए देनी सांस्कृतिक के करेगो परिणाम फल भी बाो बहुत खराब बा अब रुवा देखी कि भोजपुरिया लोग जे, जे भोजपुरी से जुड़ल बार खूब बढ़िया से जनी हैं कि हमनी के लोकगीत और लोक परंपरा के जैसन शायद विश्व में कोनो परंपरा नहीं के इतना बड़ परंपरा कौन ऐसा संस्कार बा खाती हमनी के लोग हमनिकोगीत ना गावे कौन ऐसा संस्कार बा जुड़ल कोनो हम कर्मकांड ना कहिला के प्रथा कहिला प्रचलन कहिला चलन कोनो धरण ऐसा नहीं खे चाहे छोट से छोट जात हो रूपांतर हो सकेला एने ओने लेकिन सबके साथ एगोक परम्परा एगो लोकगीत लोक के एगो परंपरा जुड़ल लेकिन वो सब धीरे धीरे सीमित भलि जाता छोट भलि जाता दायरा अब ओकरा पर कुछ नहीं अब रुआ सब कहब कि न बहुत लोग बारे आजकल रिसर्च शोध चल रहा ओकरा के, के एक जगह संकलन कल बा संकलन तिल बा हमरा, हमरा रुआ खाती कि हमनी के काल किताब पढ़े वाला बानी पढ़ ले लेकिन वह लोग के का हुई जरा कबो इस सुनही के ना मिलल जरा रस जरा रस पान रसपान कई रस कबो स्वादे ना लागल स्वाद का होला हमिक एक्वायर्ड टेस्ट होला कई सारे खाना पीना पे हमनी के पसंद ना हो हमनी खैले पीले नहीं की जब खा पी के धीरे 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 के हमरे अपने हमारे तो याद बा चाइनीज कबो पसंद ना रहे अब ती तो कि हमनी के चाइनीज लंच डिनर सब हो जाला कबो कबो लेकिन हमें एकदम पसंद ना पता ना कैसन तो टेस्ट आवत रहे को स्वादे ठीक ना लगे भात दाल तरकारी खाए वाला आदमी रोटी परौठा खाए वाला आदमी रहे अब हाँ ये सब करी काहे ना पसंद आई आई आर एक तरह के खाना खान पीन अथवा ओ तरह के संगीत अथवा ओ तरह के लोकगीत तो रस हमनी के स्वाद जे ना चिखलक जे चिखबे ना ओकर स्वाद तो उकरा खाती अब जैसे संकलन वो संकलन में लोकीत लोकगीत ए कविता के तरह लोकगीत के संकलन हो गई अब ओकरा राग कौन राग में गा जाकर जब तक ऑडियो के रूप में ओकर रूपांतरण ना हुई और उतना संख्या में रूपांतरण हो आज जैसा चंदन बहुत गावेली मैथिली ठाकुर चंदन इसमें बीच बीच में हम कभी कभी सुने ला बहुत सुंदर सुंदर गीत लोग गा लेकिन और बहुत तरह के गीत गावेला लेकिन वो सब गीत में भी अरेवा देख कि दस गो पंद्रह गो तरह के लेकिन कम से कम पचासन ऐसन हमनी के लोक गीत के जकरा जकरा कोई सुनते नहीं खे जकरा कोई गावते नहीं खे जर कोनो जगह नहीं और उकर जगह जे शून्य जे रिक्त स्थान तैयार होता जे हमनी के शहर में सब आगे बर मजदूर होके अब के जब मिलल तो उकरा जगह पर बॉलीवुड के धुन पर बनावल आ, रिंकिया के पापा और लॉलीपॉप लगेलू और पता बॉलीवुड में चोली के पीछे क्या है इ कुल तैयार होके लागर कुछ परोसल जात रहल बा उपजे परोसल जा रहा नहीं खानी रसा स्वादन होता हमने के बाल बच्चा सब करता रहे और धीरे धीरे के टेस्ट ओकरे में जागृत हो गए बा अब कहीं कि के करा के कैसे बदल सकीला एक आदमी से तो अब तब ना अकेला चना अकेला चना भाँडना फोड़े तब तो अब अकेला चना से तो ना हो लेकिन इहो कहल जा सकेला कि के लगातार एक से एक मिल के ग्यारहो होखला एक से एक मिलकर खाली दुए ना होखे ये सब मामला में अगर जैसे आखर से रुआ सबे करी एक कुल एकर प्रभाव पड़ी एकर प्रभाव निश्चित रूप से पड़ी और पड़ पढ़ बा हम देख रहल बानी, हम रहा बानी हमारा देखते देखते हम देख रहा बानी कि कितना नवही लैका फैका बड़ा अच्छा लगे ला कि के भोजपुरी में लिखत आ भोजपुरी में बोलत रिश से भोजपुरी में आपस में संवाद करत आ बहुत सुंदर लगे कि जब तक ना हो तब तक हमिके वो बाधा के काट ना सकी हम वो बाधा से उबर ना सकी वो बाधा से उबरल हमने के बहुत ज़रूरी बा अब अभी कुछ दिन पहले दो तीन दिन पहले ही ही बात बात में हम अपन हमार बड़का बेटा कॉरपोरेट सेक्टर में काम करेला छोट के हम चंदन तिवारी के गावल उजे मिर्जापुर कैला गुलजार हो कचौड़ी गली सुन सजन बलमू उ गाना के हम अर्थ बतावत रही और गाना के अंदर भरल प्रीत और प्रीत और वेदना जेबा बा प्रेम के पूरा के बतावत रही भोजपुरी भोजपुरी से फिर हिंदी हिंदी अंग्रेजी सब मिला जुला के तो सब समझ में आवे तब उ हमारा से लग, बात इो बतैनी कि हमरा निखे पता आज ले कि जयशंकर प्रसाद के कहानी गुंडा इतना फेमस समय काल कालखंड काह कहानी के जे तथ्य और जो मूल सेंट्रल पॉइंट जरा कहाल जाला उ समझी तहे गीत के सेंट्रल थीम जे कचहरी मिर्जापुर कैल गुलजार हो एके थीम हं तो पता न का कालखंड कहाब कालखंड यदि वो समय के होखे तो हम कह सकिला कि हो सकता है जयशंकर प्रसाद जी सुनले ले हो के इतना निक ला कि पर कहानी गढ़ल बहुत निमन कैल ले। लेकिन कहल चाहतनी कि सांस्कृतिक प्रभाव जब पलायन के हमनी पर पड़ रहा है ध्यान दिल बहुत जरूरी बा। कि आर्थिक प्रभाव आदमी जैसे तैसे होखे काट लेवे ला निकाल ले को उपाय सामाजिक अपने आप जब आर्थिक ठीक ठाक होखी अब देखी अब क्या अब जब हमारे गांव में जब अपना दुसाद के परिवार से मुखिया हो गई और दुसाद के परिवार से डिप्टी मजिस्ट्रेट हो गै तो अब नीचे ना बैठे के पड़ेगा कुर्सी दियाला ला चौकी पर बैठावल जाला लोग सम्मान करे तो ये सम्मान बड़ा आर्थिक स्थिति से जुड़ल बा लेकिन एगो सांस्कृतिक जे कमी रह जाला जरा अभाव बोलब हमनिके कहल जाए बा भूख हर आदमी में कोनो सभ्यता के आदमी होके हम हमेशा बोली ला चीन के सभ्यता के सबसे चीन चीनी लोग के साथ आज के चीनी लोग से हमारी ये समस्या बा हम वहीं से कही ला, कि फेथलेस लोग के कोनो जीवन में कोनो उपकार कब हो ना होखे जो फेथलेस होखी उ सभ्यता के नाश हो जाई चेक जैसे भी होखे तब तो फेथ कहाँ से आवेल अपना सांस्कृतिक जे हमनी के प्रतीक बा सांस्कृतिक जे धरोहर बा ओकरा से हमनी के इस स्ट्रेंथ आवेला क्योंकि जब कही ना हमनी के कि भारत के आत्मा गाँव में बसेला तर तो, मतलब का भिल इहे न सांस्कृतिक जो के धरोहर बा गाँव में बा वही, जे, वही माटी से जुड़ल बा सार माटी के एगो अपन अपन रूपरेखा अपन अपन एगो स्वाद रस बा रस के वजह से ही आदमी अंदर से सांस्कृतिक रूप से जो सबल होहे नैतिक रूप से भी उकर बल बढ़ेला नैतिक बल बढ़ेला आत्मसम्मान बढ़ेला आज जो देखी बंगाल में बंगाल के इतिहास रुआ छे पढ़ी तो देख कि रविंद्रनाथ टैगोर के अरुआ निकाल दही बंगाल से फर्ज करी कल्पना के मान हाइपोथेटिकल एगो हम एगो कह बानी कि रविन्द्रनाथ टैगोर के अरुआ निकाल दही बंगाली से संस्कृति से आ देखी कहाँ टिकता कोनो सभ्यता नहीं खे कोनो संस्कृति नहीं थे कुछ नहीं थे का बा बाउल बाउर, बाउर जो गीत उत गावल जाला कि वो जो छोटा नागपुर प्लेटों के जुड़ल जे जे, जे, जे संथाल लोग गीत गावेला वो सब गाँव तो ट्राइबल परंपरा के गीत है जनजातीय गीत है लेकिन आपन जे लोक गीत के परंपरा रहे यही चीज यही खातिर हम रविन्द्रनाथ टैगोर के विजनरी मानिला वो आदमी दार्शनिक प्रवृत्ति के आदमी रहे वो, वो देख पैलक समय रहते कि अगर यदि कुछ ना कल गई अभी तो हमनी के बंगाली के सबके सभ्यता कुछ खत्म हो जाए सभ्यता एक एक जा जा के सब जगह से जावा से बाली से मणिपुर से लेके नृत्य के एगो संग, पूरा संरचना तैयार कैल है बंगाल में कोनो नृत्य नहीं है रविंद्र संगीत नृत्य के ही नृत्य के रूप में मानल जाला और संगीत देखी क मन वेस्टर्न म्यूजिक से उठे बार पारंपरिक जे जो बाउल बाउल के राग वाग बाउ तो बढ़ ले बा अलावे उ कौन राग से कहाँ से लिखन और संगीत से लैखन ले ले सब जगह से ले ले बानन बहुत लोग के कमेंट आ रहा है सॉरी बात कहे में हम सब कमेंट पढ़ नहीं की पावत लेकिन देवेंद्र बोले बान सांस्कृतिक गठरी से ही पलायन करा लोग अपना मूल परवीर से जुड़े एकदम सही कहत रेवेन्द्र एकदम सही तो जे हम कह तह बी कि जे सांस्कृतिक जीवन के धरोहर के जे रस रहे उ रस जब तक हमनी के ना बचाई और के जब तक ना सींचल जाई के बढ़िया से उ फसल के ठीक ना कल जाई तो उ फसल त तो खत्म हो उ जमीनों बांझ हो जाए वो उर्वर ना रही तो जमीन बंजर हो गई बांझ हो गई तो उकरा अब का पैदा उकरा बाद हो जाए जो आदमी रहा ना रहल, मतलब समझे कि आदमी का भैल उ जानवरें पशु जैसे जीवन जैसे हो एही से ये सांस्कृतिक सबसे बड़ा हमरा बुझाला कि जब दर्द के बात ला पलायन कर दर्द तो पलायन के दर्द में सबसे बड़ दर्द हमरा इहे देखे के मिलता कि ये सांस्कृतिक जे हमनी के धरोहर कर, जे नष्ट भाता और जगह पर उकर रिक्त जे स्थान होता जगह होता उकरा में जे आज सब उबड़ खाबड़ जबून सब चीज़ भरल जाता ओकर ध्यान दिल बहुत जरूरी बा और उकरा खाती हमरा बुझाता कि जैसे कितनों बढ़िया ट्यून लागे कितनों फेमस गाना होके के एक बार हमारा याद बा मनोज तिवारी जी के प्रोग्राम में हमरा के निमंत्रण दल गई है वो संस्था के तरफ से हम गईलो रही और अपन तब एजा के सबसे बड़ संगीत निर्देशक संग देवज्योति मिश्रा के साथ गए रही आई रहे कि एगो हम राजीव गीत गाई लेकिन मनोज तिवारी के वो गीत जब सुननी तो हालांकि बुझाई कि ना इ फोरम हमार ना हत्म आत्मसम्मान आदमी में रह के चाहिए वो जगह हमार ना न हमार संस्कृति ना हा। हम भोजपुरिया एक मतलब हजार हजार लोग आयिल रहे हजार हजार लोग के सुन के मतलब ताली पिटाता थपड़ी था, पिटाता जय जयकार हो रहा बा मनोज तिवारी के हो खो हम ना ही स्वीकार करब लेकिन जरा पास तो हम कहल चाहतनी कि जरा पास आ, प्रिविलेज बा कि हम ना कर सकिलाओा ना करे के चाहिए जरा पास को विकल्प नहीं है कि अब जब कोनो हम ठीक ठाक अगर तैयार करके कर कुछ देवे ना करब गीत संगीत तो जे मिली बाजार में वे बिकाई और जब बाजार में जब बाजार में शहरी बाजार में जो लोग घूमता आ उन्हीं के भेड़का बाप अब ना रहूआ बंगला के खुद अपने संगीत पर बॉलीवुड के पूरा का पूरा रंग चढ़ गई अब जाके धीरे धीरे लोग सजग भा तो धीरे धीरे बंगला के बहुत सारा बैंड वैंड सब मिलके चेष्टा करता कि अपन संगीत के रविंद्र संगीत से लेके बाउल से लेके कुछ भटियाली से लेके भवैया से लेके निकाल के सुर निकाल के कुछ नि, निमन निमन गीत तरह तरह के फ्यूजन कैयार जाओ और करतो बड़े बहुत बढ़िया काम करे कर लेकिन हम नहीं अभी, अभी ले कोनो काम ऐसा नहीं खे हो और बताई अभी ले हर नहीं म कि के पूरा भोजपुरिया इलाका में कोनो एगो ऐसन बैंड बा बढ़िया संगीत के बैंड जे उत्कृष्ट संगीत के निर्माण अथवा रचना करत होखे और जा जा के यहाँ वहाँ गावत होखे जहाँ जाइब ओकरा देखब कि दू दुगो दू गो एगो देवी के संगीत एगो भजन आ एगो कुछ सोहर वोहर गैला के बाद पब्लिक के अब गाँव में असन चलल चल, शुरू चलन शुरू हो गए बा पीछे से च, चि, चिचिया चिचिया के कहल शुरू करेगा अरे वो, वो लॉलीपॉप सुनाव अमूक सुनावा तमुक सुनावा हमारा उतना ज्ञान नहीं खबर रवा समय में कई लोग हैं जरा ज्ञान हुई कौन कौन सब गीत चलेला नितिन बारे मुंबई से बड़ा बड़ा मन से आ फिल्मो आ बड़ा मन से संगरच संगीत उंगीत भी दे करेले तैयार और और बहुत मन से बात कहे के हिम्मतों रखे वो, वो बॉलीवुड के बाजार में बैठ के कि हम ना करब जेलों लोग करत रहे बहुत बढ़िया काम करता ने नितिन नीराज चंद्रा हम दू चार चीज उन ध्यान दिला सब समय हम कमेंट ना दे सकी ना लिख सकीला लेकिन सुनत रह और बहुत बढ़िया काम कर रहा बान लोग तो अभी हाल फिलहाल में एकर सुशांत के जटायु जो लिखल बा कितना सुंदर कविता ऐसा काव्य पढ़ के एकदम मन भर गई जैरा लवालव लब मन भर गई भाव से अभी ले हम कहल बानी लिखब बा। पर थोड़ा समय लेके बढ़िया से लिख पर लिख नहीं पहले लेकिन काव्य के गावल एकर कुछ अंश के गावल जे काम हो रहा है बा आज के तारीख में ऐसा नहीं है के। लैका के के काम कर काम के लेके काम कई भैली हनिके सांस्कृतिक रचना रहा सांस्कृतिक बल जरा शक्ति जैरा कहाल जा सकेला तो ये बहुत बड़ा चीज़ बा जे देखे के चाही हम कहब कि अवसर के जब बात कहतन विषय में इो कितना दर्द कितना अवसर तो अवसर तो बढ़ल बा अवसर अवसर के मतलब देखिए अवसर अब दुधारी तलवार मतलब अवसर जितना भी अवसर कहिला जा कि ऑप्शंस कम विथ चैलेंजेस एंड कॉन्सिक्वेंसेस जे हमारा सामने अवसर आवता उकर दुगो तीन गो रूप हो धारा हो कौन धारा हम धरब आपन उद्देश्य और आपन फलो का, का हो निश्चित लेकिन का होला कभी कभी कि कबो कबो के अवसर के बड़ा स्वार्थ वाला भावना के तरफ से स्वार्थ के हिसाब से देखे ले जाए कि चल जब एकरा में इतना कमाई होता था कल ही बाद में देखल जाए लेकिन उ उक कमाई करे में जे कमाई हमार जरूरत ना हो ये कह दिल बड़ा आसान होला सब लोग के कि ना ना आदमी के ज़रूरत बा तक का करी जरूरत जरूरत और महत्व का बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षा और जरूरत के तो सीमा ना होके जितना बढ़ावत जा बढ़त जाए तो अपना जरूरत के काम कल के बाद यदि तो ध्यान दिल जाओ कि ना हम ना करब एक से हम ऐसा काम करब जो फल बढ़िया होखे जकर सांस्कृतिक फल बहुत बढ़िया होके ठीक बा शाम श्रवण आपन भोजपुरी गीत सुना देती तो बड़ा निक लगे नून देव मंगनी तेल देव ठीक बानाई तहत रह अभी जो काम हो रहा बा बाह काम पर ध्यान देके वो सब लोग के धके वो लोग के रचना के गावल रचना के सुनावल रचना से के अंश लेके गांव-गांव में जहाँ भी आप अपराध कोई जरूरी नहीं है कि के, के भिखारी ठाकुर की तरह एगो टीम बना बना के घूमे के पड़ी सोचिए वो समय में एगो आदमी वह तो बंगाल के एजा पढ़ के पढ़ाई लिखाई ऐजे कई सबकुल नाटक वाटक के विधा सीख के रहन लेकिन वह विधा के कितना अच्छा से रचनात्मक काम में लगैलें और कितना अच्छा से जागरण जा, जागरूकता के काम करें कैलें अपना समाज में जे आज ओकरा ले के, के लेके बैठल बानी और ओकरा के ओकर गुण गाओतनी एक आदमी बस एगो अपन टीम बना के तो ऐसा नहीं है कि हमनी के नहीं है देवेन्द्र बोलतन बुद्ध से कबीर तक बैंड बा गोरखपुर में बहुत बढ़िया हाँ बुद्ध से कबीर तक ठीक ठीक याद रह हम सुनले ले बानी एक, एक बार सुनले ले बानी कहीं पर ऑनलाइन आये रहे बुद्ध से कबीर तक यस बढ़िया बैंड बाबू तो ऐसा बैंड बनो और बनो तो अवसर के पर हमरा कहे के मतलब ये बा कि अवसर त तो ईश्वर के नेमत की तरह कभी भाग्य से कभी के अपना कर्मठता से जाके अवसर लेवे के पड़ेला अवसर के धरे के पड़ेला लेकिन अवसर के ध के और अपना संस्कृति और अपना अस्तित्व और अपन माटी से उजड़ गईज से निकल गई वजह से उजड़ गई हम कह हाँ पलायन पलायन ओकरा हम कह हाँ। हम, बाकी हम बहिर्गमन स्थानांतरण निष्क्रमण कह हम पलायन ना कह पलायन कह का मतलब है कि जहाँ आदमी कोनो कारण से जे कोनो कारण होखे कारण से भा, अपना माटी से उजड़ ग होखे भाग गई होखे आ कुछ स्वेच्छा के भी अपन अपन इच्छा और स्वेच्छा के भी कुछ पुटबा अपना स्वेच्छा से आदमी भा, भागल चाहे ला विस्थापन हाँ विस्थापन निराला विदेशिया बोलता पलायुख विस्थापन भी ठीक कहता विस्थापन में विस्थापन भईल विस्थापन के बहुत आर्थिक कारण भी विस्थापन के हम उतना खराब ना मानी ला जितना पलायन के मान लिया क्योंकि पलायन में तनि एक अंश बाह तरह के कि आदमी अब वापस ना जाइए जाए के मन नहीं खेकर वहजा से मन भर बा मन उचाट हो गा मन उचाट होके के कारण सब के हमनी के हन ध्यान देवे के पड़ी कि काहे जैसे आखर से जे सब काम हो रहल बा एकरा से हम देखनी पिछला बार पंचवार में जब गल रही आखिर के प्रोग्राम में वहीजा तो वहीजा देखनी बहुत दूर दूर से सब लैका फैका परिवार लेके सब लोग आए रहे बड़ा निमन लागल ओजा कि जाके लोग आपस में जुड़ता और भोजपुरी के गीत संगीत नाटक इस सब के बातचीत करता हमन यहाँ देख कि बंगाल में कब कब लोग बोल अच्छा वो बिहार में तो तुम्हार लोग का लौंडा का नाच होता है अब वह लोग के लौंडा के नाच के पीछे के पूरा इतिहास और परिदृश्य और पूरा प्रेक्षापट के उन लोग के समझाओ तगो तो जरा जागो पूर्वाग्रहपूर्ण एगो एगो धारणा तैयार कर के लिए किहन के सब असहवन से निष्कृष्ट हवन से तो अभी स्थिति ये बा चाहे वो मुंबई होखे कि चाहे वो कलकत्ता होखे सूरत के हमने जाए सूरत के बाजार हमने ही देखले कि दिल्ली होखे हमी के कॉलेज में पढ़त रह जब दिल्ली विश्वविद्यालय में तो और तो और सब कह कि अरे तुम लोग तो तुम लोग बिहारी सब झुंड बांध के चलते हो बिहारी जैसे लागत रहे कि एगो गाड़ी हो लेकिन इहो बात होहे वह बिहारी लड़का सब और कुछ उड़िया लड़का सब सिद्ध कैले स कि जब हम पढ़त बा कि सत्रह गो कि बीस गो डिपार्टमेंट के टॉपर बिहारी रहन सा। अब बाकी सात गो के टॉपर उड़िया तो हम लोग के यह कहत रही रह के बोलते रही कि बेटा पहले हाथ मिला ला ताकत तैयार कर उ शक्ति तय उ शक्ति लैकन में से भात दाल तरकारी खा के, के, आपन, के हल, आ चाँप के अपन बने कुर्सी पर बैठ के पढ़ल कहाँ से के माटी के शक्ति है ऐसा जगह में हमनी के सुगठित एगो शासन और सुगठित एगो संस्कृति के हमनी के आदमी जे हमनी के ऐसा ऊर्जा और ऐसा शक्ति और ऐसा आत्मसम्मान दिले जे चाही उ कर सकेला ताजी तो करे के बाब कैसे ना कोनु और दूसरा में हम तनी मनी मराठी लोग में देखिला और साउथ इंडियन में बहुत परम्परा दक्षिण भारत में खास करके तमिल आ, कन्नड़ मलयालम सब बहुत परंपरा बा लेकिन इने उत्तर उत्तर भारत में हमारा उत्तर उत्तर पूर्व भारत में अथवा उत्तर पश्चिम भारत में इतना बड़ शक्ति और ऊर्जा और आत्मसम्मान के लोग देखे के ना मिले रुआ देखी अभी कोरोना क्रा, क्राइसिस में इतना लोग हमनी के लेबर जब मजदूर रहन जैरा खाए सब सभी बंद मालिक मिल बंद कर से सही कैलन से उलन लोग अपना पैदल चल घरे घरें के रास्ता प्रशस्त कैलन सर सरकार के बड़ा तकलीफ भ सरकार के बड़ा असुविधा भैिल ओक से लेकिन ओनी कल सारे हम अपना हम ए कवितो लिख ले हम अपना से खट के खाए वाला आदमी तो काम कहीं चल जाए रे जरा देह में आदमी इतना अनुशासन भरल बाज माटी से वो हम कहीं अपन जीवन तैयार क ले तोरा, तोर गाड़ी और तोर एक सुविधा के वजह से हम बानी ऐसा नहीं खे तो के फिर बस हमनी के बुलावे खातिर अभी खुले सब बाजार क्योंकि तोर बाजार तो हमरे से चले ला और कल हमरा अभी याद बी डीसीपी ट्रैफिक रही तब एक बड़ झमेला रहे गाड़ी घोड़ा के लेके तब सब तब सुभाष चक्रवर्ती जी सी पी एम के रहन ट्रांसपोर्ट मंत्री रहन उ जब बहुत बड़ बड़ बात करे लगलन स गाड़ी उड़ी वाला और कुछ उने के प्रतिनिधि नेता लोग तो हम कहनी कि मंत्री के इजाज़त लेके लेक सर हम इन लोग के तानी तीन बतावे दी कल नाना आपनी कानू बोलब अपनी दाड़ अपनी बोसुन हम ही बोलबो और कि हम बोलता नहीं। बोल तानी रउआ का हेहे बोलो बैठी हम बोलतनी बोलन एक लाइन बोललन कि ठीक बा हम ये बाजार में बिहारी सब और अप कंट्री यूपी के सब बाड़े से एहन के निकाल देनी एक बात बताओ तुहरा घर में केहू बान जे एक मन एक मन अनाज के एगो बोरा उठा के अपना कान्हा पर और दो मिनट खाड़ हो जाए काले उठे के शक्ति ना मिली उखरे वजह से बाजार चलता तो ऐसा शक्ति हमनी के बड़ा निमन लागल वह दिन वो मंत्री के हमार बात सुन के इ शक्ति है के और उस शक्ति के लेके और उक़रा औरो यदि हनिके सोचत रह से अब पलायन के बहुत समय हो गई जितना हमनी के होखे कर हो गई अब हमनी के जरूरी बा कि अब आज देखी रहा बिहार में उत्तर प्रदेश के हम ना कह सके लेकिन बिहार के नौबत ई बा कि एगो ढंग के लैका राजनेता बनी कती तैयार नहीं है एगो ढंग के आदमी के हम नाम नहीं ही सुन पावत जरा कि जरा कि लोग कह सके कि हम नाम सुनी कि ना अमुक बा लैक बड़ा का अच्छा काम कर रहा बा खातिर ऐसे लोग के तैयार करे के पड़ी शिक्षित जागरूक तनि तो निःस्वार्थ भाव से जे काम करे ये तो रहे हमनी के पंचायत के जगह पर सब लोग एम एल विधायक हो जाए एक गारंटी तो नहीं है अब विधायक के पहले पंचायत में काम करो गा, गाँव खाती काम करो गाँव के बाद हमनी के जे चार गाँव के मिला के इलाका खाती काम करो करके जाओ तभी हमने के बाँच तब तो पलायन कम होी तो तबे के शिक्षा के जे जे इंफ्रास्ट्रक्चर बा ठीक हो ठीक हो तब देख कि कई लोग अभी देखिए अमेरिका में जब भयल बा त्राही त्राही में चल बा तो जा कई हमारे दोस्त बार जब जब अठारह अठारह बीस बीस पच्चीस पच्चीस साल से अमेरिका में बहुत के नागरिक होकर बैठल बान लोग अब सोच रहे बान कि भारत चलें हम का, का बन कारे बड़ा कष्ट बा हो जाए या जा तो एकदम से आदमी अकेलापन में मर जाइए जा, कोई देखे वाला नहीं के हम तो कहते रहूँ अपना घर से भाग के कहाँ चैन पेब आवे के इजे पड़ी तो यही से हम कह कि जितना लोग पलायन के और विस्थापन के सोचलन कि एक बड़ा अवसर प्राप्त होल बड़ा होखे के निश्चित रूप से भैल बा अवसर के हनिके काम लगाई दोनों तरफ से एकता अपना आर्थिक उन्नति के लिए अपन परिवार के आर्थिक उन्नति के लिए अपने परिवार के आर्थिक शिक्षा स्वास्थ्य सब 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 खाती और संगे संगे एक खाती कि माटी से जुड़ल रहें सत्य बाहिजा के जे जे रस बा रस और उ हमनी के संगे रहे इतने कहकर रह विषय पर रउआ सब के हमारा उम्मीद बाकी सब नीमन लागल कि हमार बात और ऐसे तसन तो विषय है अब पर आमने हमने के रहती तो और कुछ बतिया बतियावे के मौका रवा और के विचार जाने के मौका में ऐसे हम देख रहा बानी बहुत सारा विचार आएल बा आखिर पलायन की स्थिति अभी भी काहे बनल बा एक कैसे रुकल जा सक श्रीवा सत्यमोहन श्रीवास्तव जी बोल रहा बुझाता कि हम ऑलरेडी एक बार बात कैले बानी एक बारे में कि पलायन के स्थिति यही से बनल के डेवलपमेंट बड़ा लॉफ्ट साइडेड चल रहा बा लॉफ्ट साइडेड काे चल रहा यह इलाका से अरे बात देखी अभी बहुत फेसबुक वेसबुक पर सोशल मीडिया पर बात होते हम प्रशासनिक सेवा में मानी हमारी कहल ठीक ना रहेला पूरा सम्मान के साथ कुछ लोग बड़ा बड़ बड़ सांसद बने लेकिन जे आदमी के अपना गाँवे कह फिर वह रस के बात है जे अपना रस से निकल गई अपना माटी से के सत से ही जुड़ अब जुड़ल ना रह गई के छोड़ के चल गई के प्रतिनिधि बना के वोट के दे के के जित के ले अपन प्रतिनिधि बना के तो का करी हम हम, हमारे खातिर का जरूरत बहे नहीं है पता उ चार पाँच गो लोग के नेता जैसन बार उन काम कही आल जाल सब काम चार गो बंदूक के लाइसेंस दू गो जमीन के काम पाँचगो मकान के काम चार गो भाड़ा के गाड़ी और धोग काम उस सब के भारो सबके वोट दिवाओ ऐसे ना हो चाहिए अभी समय बा भोजपुरिये आत्मसम्मान के हम जानी ला हम बहुत नजदीक से देखले मानी अपने गांव में पढ़त बढ़त बहुत ज़बरदस्त आत्मा हमारे याद बा जगजीवन राम के हम कॉन्स्टिच्युएसि में हमनी के पढ़ी ला जा पढ़त रह जा जगजीवन बाबूजी जी कहा रहन उ आके हरा गांव में और हमार बड़का बाबूजी तब कहीं गल रहन आवत रहन का ख़बर दिले आवत रहन उ जब ले ना अल तब तो ले जगजीवन राम खाड़े दलाल पर के सब लोग बड़ लोग हम तो छोट रही बड़ लोग कहते रहें बाबूजी बैठी बाबूजी बैठी बाबूजी बैठी आ ना हो बाबू साहब के आवेद बा बाबू साहेब एक छोट ना हो गए आ ना बाबू साहब बाबू रामेश्वर सिंह बाबू हमार बड़का बाबूजी को बहुत बड़ राजपूत हो गई ये आपस में एक दूसरा के सम्मान करे के तरीका है और बाबूजी के की तरीका रही कि ना हमारे लोग वोटर है और से हम जाके अपने से ये लोग के देखब समझब समझ के का समस्या बा और तब हम उनका से कहब के वोट माँग कौगो लोग भाई जो जा के अपना इलाका में घूमता बताई तब के इलाका के सांसद पिछला बार कब आएल रन कितना दिन तो हो गई इलेक्शन भैया विधायक कब आल रहन, मुख्यमंत्री कब आिल रहन छोड़ दी ही, अपना पंचायत बा ओकरे पंचायत के जे प्रधान और जे ए, मेंबर लोग होला उहे मेंबर कौ बार सब के गांव में लेके बैठल महीना में एको बार बैठो आदमी की का समस्या पर चलो भाई ना वही लोग के लेके बैठी कि स्कूल के आज चलो स्कूल के समस्या पर बात होगी आज हमनी के स्वास्थ्य के समस्या पर बात होगी होकत रहे तब शायद इतना पंचायत सिस्टम इतना सबल ना बैल रहे सशक्त ना बैल रहे लेकिन हम देख लेनी अपने गांव में ये सब पर इश्यू पर बात होकर तो मुखिया जी के बोलल जात रहे कि भाई काल के चर्चा भैलवा रौवा आई ये सब कु पर बात करे के पड़ी छोड़ के सत्यमोहन जी हमार लिखे बुझात कि कोनो और उपाय हो सकेला समय लाग कोनो जब विकार आ जाए अपना सभ्यता संस्कृति में तो विकार रोग की तरह होला दवाई करे के पड़ी और रोग और दवाई दू दिन में तो असर ना करे ओकर समय आवेला तो आपनो अनुशासन तनी वर्जिश डॉक्टर सब कहान तनी हाथ गोड़ हिलाई तनी वर्जिश करी तनी व्यायाम करी तनी दवाई खाई संगे तो टॉनिक खाई सब मिलजुल के तब आदमी फिर अपना गोड़ पखाड़ होला हमारा उम्मीद बा कि हमिके अपना गोड़ पखाड़ जरूर हो जाए और सब एक सबके मदद से धन्यवाद तो देवेंद्र संजय अब अब हमने के विदा नहीं जाए एक बजे वाला बात इजाजत तो हम विदा ली अच्छा एगो एगो गीत आदित्य प्रकाश अनोखा एगो गीत <coughs> अच्छा ठीक बा हम चे तो, आ, टिकुरी से टिकुड़ी तो हम ही बानी बहुत बार अब आज हम चेष्टा करते जब के पलायन के बाे होते पलायन पर पलायन के वेदना के गावत एगो मेहरारू के जे गीत बा हमरा रतन विदेशियों में वाइल बा लाइन जब से बल मोरा भैले परदेसिया भैले परदेसिया मोर के निन्दिया राम सपनवा भैले अखिया के निन्दिया राम सपनवा भैलेना, मोर भरल जो बनवा, राम अगिनवा भैले अखिया के निन्दिया दसई से ताकत रहनी फागुन तक आशा दसई से ताकत रहनी फागुन तक आशा ऊनाइल पछिया लाइल जेठ में निराशा उनाइल पछिया लाइल जेठ में निराशा देह सबनु से झरी के जब से बलम गैले हमारा के छोड़ के हमारा के छोड़ के तारा गिन गिन सारी रतिया तारा गिन गिन सारी रतिया तारा गिन गिन सारी रतिया राम बिहानवा भलिना मोर अखिया के निंदिया केकार से कहीं सही बिरह के जाला के से कहीं सही बिरह के जाला खायल पियल सूतल अबत कुछ ना सुहाला खाई पियल सूतल अबता कुछ ना सुहाला दिन भर देह टूटे जैसे सुखल काठी दिन भर देह टूटे जैसे सुखल काठी रस बिना मावा के रह ले आठी रह ले आठी जैसे सापावा के के चुल जैसे सापावा के के चुल जैसे सापावा के के चुल राम गहनवा ना मोर अखिया के निंदिया राम सपनवा ना मोर भरल जो बनवा राम अगिनवा ना मोर अखिया के निंदिया धन्यवाद के और असही भोजपुरी के खाड़ के लिए राखी सब सही जुड़ल रही बहुत बहुत नमन बहुत बहुत धन्यवाद सब लोग के जुड़े खाती विशेष शाही जी ऐले के पृथ्वीराज जी अके जुड़ल है नवीन चंद्रकला चंद्रकला कुमार तोहरा के बहुत बहुत धन्यवाद हो सब लोग विनोद कुमार गुप्ता सिंगर हमें बढ़िया बढ़िया नीम नीमन गीत गाव लोग चंदन चंदन आई बारी सादर प्रणाम करते बहुत बहुत प्रणाम बहुत बहुत आशीर्वाद तोहरा के चंदन बहुत नीमन काम कर रहा। वो करत रह बहुत नीमन लाल आ नितिन बारे नितिन नितिन के काम बहुत नीमन चल रहा बा एकरा में अपन छोट महसूस करे के नहीं हीन भावना करने के ले के लेके के बड़ा हीन भावना हो हमनी के लैका फैका में छोड़े के बा हमने के बड़ी बड़ी रहब रह बड़े रही अभिले बानी आगह रह लिखत पढ़त रह लोग धन्यवाद